हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका एचपी का ब्लूटूथ स्पीकर चार्ज नहीं हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं चार्जिंग जैक में जम्पर लगाने वाला हूँ, तो गाइस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। अब हम सबसे पहले स्पीकर को ओपन करेंगे, बैक साइड की रबड़ मैट को निकालेंगे और इसके स्क्रू को खोलेंगे। और अब हम बोर्ड के स्क्रूज को खोलेंगे। बोर्ड के स्क्रूज खोलने के बाद हम इसके फ्लेक्स केबल को भी निकाल दिया मैंने। फ्लेक्स केबल निकालने के बाद मैं इसके स्पीकर और बैटरी के तार को बाहर निकालूंगा। अब ये देखिए गाइस, पूरा बोर्ड बाहर आ चुका है और ये नया जैक है। तो अब हम इसके जैक्स के पॉइंट्स को साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद गाइस, अब हम इसके क्या करेंगे, जंपर मारेंगे। जैक के पीछे हम जंपर जोड़ेंगे। ये मैं एयरफोन की तार को यूज़ कर रहा हूँ, वायर्स का। आप जंपर का यूज़ कर सकते हो। और आपको ज़रूरत इसमें सिर्फ एंड के दो पिंस की है, लास्ट के एंड के। एक पॉजिटिव होती है, एक निगेटिव होती है। अगर आप चेक करना चाहो तो मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो। अगर नहीं है मल्टीमीटर तो आप इसके एंड पे जोड़ दीजिए और मैं आपको ऊपर सर्किट डायग्राम में बता दूंगा क्या है ये करके। नाउ अब हम जैक के पिंस को फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए हम अच्छे से स्ट्रांगली फिक्स करेंगे। हम इसे सोल्डरिंग वायर का थोड़ा एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे और जितने इसके सपोर्टिंग पॉइंट है उन्हें फिक्स करके अब इसमें जंपर लगा देंगे। तो गाइज, अब हम इसके सारे कनेक्शन करके इसे पैक करेंगे और चार्जिंग चेक करेंगे। देखिए चार्जिंग ओके चल रही है। नाउ अब हम हॉट ग्लू लगाएंगे इसमें। हॉट ग्लू से क्या होगा कि अपना जैक जो है अपनी जगह पे फिक्स रहेगा और उसे और अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी। तो हम इसे स्ट्रेंथ देने के बाद हम इसे अच्छे से सारे कनेक्शन वापस लगा लेंगे और इसे पैक करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन सा प्रोडक्ट रिपेयर करवाना है। और गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए। At the end, thanks for watching. I really appreciate your time.